कि हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अबे कह तो हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ये व्लॉग में। ओए अबे तू ना बक तो तन मॉम तो इंट्रोड्यूस तो कर तू कर हेलो तो ये है हमारा छोटा भाई चिराग। छोटा नहीं है, बहुत मोटा है। और ये है मिम्मू ने इंट्रोड्यूस करवा दे। ये है मिम्मू जिसका नाम है आरोही। चिराग आज हमारे क्या प्लान्स है बताओ। आज मैं तुझे बहुत कुट कुट के मारूंगा कह रहा है। चिराग आज हमारे क्या प्लान्स है बताओ। चिराग पता नहीं बताओ। बैगन। चिराग तुम्हारे दांत कहाँ गए? बैगन चूहा लेके भाग गया। चूहा लेके कहाँ भागा चिराग? चूहा लेके भागा है बैगन के अंदर। बैगन के अंदर। चिराग आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मोटी पब्लिक स्कूल। विच क्लास? सेकंड से। मिम्मू बड़े होके क्या बनना चाहते हैं मुझे पूछते हैं। मिम्मू बताओ। टीचर। टीचर। तुम? ब्लॉगर। ब्लॉगर वो तो मैं हूँ। हम भी बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ब्लॉगर बन के देश का नाम कैसे रोशन करना? मोदी सरकार। बाल बाल बना दे लो, देख लो इसे बाल बनाते हुए। ये हमारा भाई आदिल हसन द बिजनेसमैन। ये हमारे सब में पहला इंसान है जो बिजनेस फील्ड में है, बिजनेस करता है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे छापता है। लौंडा अभी तो नई गाड़ी वाड़ी लिया है इसने, पार्टी, बहुत पैसा, अंधा पैसा। आदिल हसन दो विजय माल्या ज्यादा हो गया। और नॉर्मली जैसे लॉग सेट करते हैं वैसा कर और नॉर्मली बोलना भाई, क्योंकि वाधवानी तेरा व्लॉग देखेगी तो देखेगी मेरे को। हाँ तो मैं ये सब भी डालूंगा ही, ये सब कट नहीं करूंगा कुछ, ये सब कुछ जाएगा व्लॉग में। पहले आज अच्छा तो होने लगा, पता चला गंदा हो गया। नहीं वो तो हम देखो। तो हमारा सीन ऐसा है कि अभी हमारे दो काम है। पहले ऑफिस जाना है अपने, पहले इसके ऑफिस जाना है। नया वाला जो ऑफिस खोल रहा है उसमें वहाँ पूजा है। तो वहाँ पे पूजा है, वहाँ हम लोग वहाँ जाएंगे। फिर वहां से सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी तेरे को गिफ्ट करूँ, इसके लिए मैं चल तेरे को आज मैं कार 24 लेके चलता हूँ, मेरी तरफ से एक कार गिफ्ट है। ये आदिल हमें आज कार गिफ्ट करने वाला है। तो आज हम पहले हम जाएंगे आदिल के ऑफिस, वहाँ पे हमें एक काम है, इसकी कोई पूजा वूजा ऑफिस का, नया रेनोवेशन है, थोड़ा रेनोवेशन हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा चीज वहां से हम लोग निकलेंगे तो फिर कार्स 24 जाएंगे। कार्स 24 पे हमें कार देखनी है, हमने जो प्री बुक करके रखी है, दो तीन प्री बुक नहीं क्या कहते हैं टेस्ट ड्राइव लेके रखा, अपॉइंटमेंट लेके रखे तीन चार कार की। तो आज चलते हैं देखते हैं और विल एक्सपीरियंस क्या 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 होता है क्या आदिल? बिल्कुल क्या सीन भाई, चली गई भाई वो गाड़ी, क्या सेक्सी गाड़ी थी। मेरे को देख सकते हो तो वो देखो भाई, मैं उसकी गाड़ी को रुकवा के गाड़ी चला लूंगा भाई। वो छोटी सी गाड़ी है, कितनी छोटी थी वो भाई, वो जो मिनी बाइक नहीं होती है बच्चों की, छोटी घुमा रहा है भाई वो एकदम भाई प्यार से, मजेदार भाई। उसको बोलो इधर लेके आए। तो ये है नागपुर और नागपुर का ट्रैफिक देख लो। ये कौन सा चौक है? छत्रपति शिवाजी। अबे यार अग्रेशन चौक पे है मेरे घर के पास अपन, हम है इतवारी, वेरी फेमस प्लेस इतवारी। मेरे एक वादवानी का दिया हुआ अभी भी यहाँ पे रखा हूँ मैंने, किसी ने बांधा था उसको, वो मेरे ब्लॉग देखती है जो जिन्हें यूट्यूब का पता होगा ना, मैं ऐसे गाने बजाता हूँ मुझे कॉपीराइट आ जाता है। लास्ट वीडियो जो मेरे बर्थडे वाला व्लॉग था उसमें मैं किन्नी गाना बजा रहा था दिलजीत दोसांझ का भाई, उसमें कॉपीराइट आ गया, क्या करे। तो अभी हुआ ही है कि हमारा हो गया प्लान कैंसिल इसके ऑफिस जाने का। ये कहते हैं मुझे पूजा नहीं करनी। अरे ऑफिस में लोग हैं वही काम निपटा देंगे।
मतलब इसके ऑफिस में इसने इतने लोग रखे हैं जो काम निपटा देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार्स 24 और आज जाके करेंगे कार्स की बोली नीलामी करेंगे। कार हंट पे जा रहे हैं हम लोग, ढूंढेंगे कार बढ़िया सी कोई जो हम लेके आ सके BMW बैंगलोर भाई। BMW हाँ, मेंटेनेंस तो मेरे पापा देंगे ना उसका। भाई तेरा भाई जिंदाबाद, अपनी गाड़ी बेच के मेंटेनेंस दूंगा लेकिन मेरे से नहीं होगा। BMW का मेंटेनेंस बढ़िया सस्ते सुंदर टिकाऊ गाड़ी लेंगे और ऐसी लेंगे कि अच्छा चले, बस बैंगलोर में मौज काट सके, वही पर्पस है बस अपना। और क्या बढ़िया। अब ये लौंडा देखो अपने पैसों पे गाड़ी लेता है, ये इतनी महंगी 10 लाख की गाड़ी लेता है अपने पैसों पे बाइक के लिए। वो भी बताओ सुपर मेटियोर 650 रॉयल इनफील्ड की गाइस इसने बुक करके रखी है, 5.5-6 लाख की गाड़ी है। वो भी बता देता हूँ, वो भी सुन लो, वो भी जान लो, ग्रीन कलर विद अलॉय, वो भी ग्रीन कलर विद अलॉय टॉप मॉडल। चलाता कितना वो, ये तो ये उसी का है ना, सोफियान की है, सोफियान का। चलाता कितना घंटा ने? मैं बता दो ना, जावा जो पिराक थी इसकी गाड़ी, इसके पहले से जावा पिराक ले रखी थी, पराक ले रखी थी, तो वो गाड़ी कितनी चली थी, 3,000 ना? तूने तो चलाया था उसमें से 1-2 हजार। हाँ तो ये कुछ इसने कुछ 1,000 चलाया होगा, उसमें से बाकी जितनी थी वो सारी मेरी थी। आपके भाई की बदौलत गाड़ी चलती है भाई, मैं नहीं रहूंगा तो इन गाड़ियों का क्या होगा यार, ये तो चलाएगा नहीं। चलो इसकी सुपर 650 मेटर आ जाने दो, फिर वो भी हम ही चलाएंगे। क्यों? 15 जनवरी को आ रही है। हाय हाय, आजादी हो जाएंगे हम तो, क्या बात है। अरे 15 जनवरी को आजादी नहीं मिली थी बेवकूफ, 15 जनवरी को अपना रिपब्लिक, नहीं 26 जनवरी ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, अबे 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। हाँ वो तो रिपब्लिक डे मतलब ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन। हाँ अरे कौन कौन हिस्ट्री का कौन, अविनाश अविनाश सर, अगर कभी आप मेरे व्लॉग देखो इन फ्यूचर तो वी मिस यू अविनाश सर। पॉलीगन रेट्रो टेक्नोलॉजी सिंस 92001 गाइस। पता है क्या, मैं भी अपना फॉर्म की जो गाड़ी रखा होगा ना उसमें एक अच्छे से अपना लोगो बना हुआ गाड़ी में रखा होगा कि फ्रॉम दिस हसन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कितना मजा आएगा ना PVT LTD। भाई PVT LTD लेने में 2 लाख रुपए लग रहा है भाई, लेंगे बहुत। वो वाला टाइम तो बहुत ही बढ़िया भाई यार, ये रात को क्या क्या नहीं भाई, मतलब रात पुलिस स्टेशन में घुस गए थे, पुलिस स्टेशन में घुस गए थे, फिर याद है वो जेसीबी याद है, जेसीबी चला रहे थे भाई रात को सीए रोड पे, यही तो रोड पे सीए रोड पे अपन जेसीबी को भगा रहे थे भाई। तुम लोगों ने ट्रैफिक देखी थी ना भी रोड पे, वो रोड पे हम लोग रात को ना जेसीबी चला रहे थे, रात को जेसीबी तो क्रेन था, वो क्रेन जेसीबी नहीं क्रेन था वो, भले मैं उसकी ना क्लिप डाल दूंगा आपको इस वीडियो में देखना भले भाई, वो एपिक था एपिक। हम लोग रात को पता नहीं क्या क्या करने भाई, बस अब कुछ टाइम टेबल ही नहीं रहता था, मैं भी बोलते थे भाड़ में आक्रमण कर रहे थे उस दिन रात को, ऐसे लेफ्ट लेना भाई। वो समय मेरी मॉम तो थी नहीं भाई, क्या घूमते थे अपन, बहुत बहुत मस्ती की थी वो वाला टाइम। मैं मोहित ये और आमिर, मतलब हमारा आमिर का घर था, जिया भी था और वो भी छोड़ वो रात को एक और रजा भाई मैंने तेरे को छोड़ भाग गया था लेजेंड। इसकी गाड़ी थी, मैं आपको सीन बताता हूँ, इसकी गाड़ी थी, हम लोग गए हुए थे रजा को पिकअप करने एक जगह पे, एक फ्लैट में रहता था वो ऊपर में, ठीक है, कहीं गया हुआ था उसके दोस्त के फ्रेंड के फ्लैट पे, उसके फ्रेंड के फ्लैट पे था। तो अब हुआ यार, हम लोग नीचे खड़े हुए है और हम लोगों ने ना जोर जोर से चिल्ला दिया रजा को कुछ, मतलब शायरी वायरी बक दी थी गाली में, गाली में शायरी बक दी थी। तो बीच मतलब फर्स्ट फ्लोर से एक अंकल बाहर आया, उड़ते हुए अंकल आया सीधा। अब मैं वहीं खड़ा हुआ था, इसकी गाड़ी थी मेरे पास में, पराग नहीं थी, इलेक्ट्रिक वाली वो थी, चेतक। तो अब वो क्या होता है ना, वो उस व्हीकल का ना एक सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है ना कि वो उसकी जब की पास में रहती है तभी वो मतलब चालू होती है। अब भाई ये हरामियों ने क्या किया ना, ये लोग तुरंत एक करके निकल गए। मैं गाड़ी चला रहा था ना टाइम पे, तो मैं गाड़ी ही चालू कर रहा हूँ और मेरे से हो ही नहीं रही है और ये चाबी लेके भाग गए। ऑनेस्टली मतलब मुझे याद है फक भाई, करण तो भाग ही नहीं सकते, मेरी गाड़ी की चाबी, अब मैं इसकी गाड़ी वहां छोड़ दूं तो अंकल गाड़ी जब्त कर लेता। अब मैं खड़ा हूँ नीचे और अंकल आया, फिर मेरे को कहता है गाली वगैरह था बोले, मैं कहा नहीं अंकल वो भागे वहां पे
कहते तेरी माँ का तेरी बहन का क्या क्या सुनाया भाई उसने, क्या क्या सुनाया है। रजा आया, रजा नीचे आया, मैं कहा अंकल ये मेरे साथ है। वो रजा को मैं नहीं पहचानता उसको, बोले अंकल कौन, ये मेरे साथ थोड़ी है, मैं नहीं पहचानता, बोले करण को। भाई साहब भाई इतनी गाली सुनाई थी उस दिन तो अंकल ने मेरे को, और मैं चुपचाप खड़ा था, मेरी गलती थी यार, मैं क्या ही कह सकता था। हम लोग रात को 1:30-2 बजे अगर किसी के यहाँ जाके ऐसे तमाशे करेंगे तो गाली तो खाना पक्का था। स्ट्रेट बताता हूँ, हम लोग मोहित के यहाँ नहीं गए अभी, मतलब रास्ता चेंज हो गया है, बताता हूँ अभी अभी आपको पहुँचने वाले हैं हम लोग। गाड़ी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, चलते हैं देखने के लिए। कुछ चार गाड़ी सिलेक्ट, चार कुछ गाड़ी सिलेक्ट की हम लोगों ने, शॉर्टलिस्ट करके इधर बैठ के चलते और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सी कौन सी गाड़ी है। तो गाड़ी वाड़ी देखने के बाद ना मैं अभी निकल चुका हूँ आदिल को लेने के लिए। आदिल वहाँ नथिंग बट कॉफ़ी पे बैठा हुआ, एक लोकेशन है जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट कॉफ़ी पीते हैं हमेशा। अभी क्या हुआ था ना, मैं मम्मी को लेने के लिए गया हुआ था, मम्मी को लिया और फिर मैं ना वहाँ से निकल गया था। ट्रैफिक भाई, बैंगलोर की याद आ गई मुझे यहाँ की ट्रैफिक देख के। तो मैं अभी वहाँ से निकल गया था मम्मी को लेके स्टेशन से, देन मैं वहाँ से आया हूँ और फिर अभी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ नथिंग बट कॉफ़ी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा ध्यान ड्राइविंग पे है, ड्राइविंग करते हुए ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए ये वो, आई नो गाइस, बट मेरा फ़ोन एक जगह पे स्टेबल है तो मुझे उसका थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ मेरा फोकस ध्यान ड्राइविंग पे ही है। तो मैं नथिंग बट कॉफ़ी पहुँचता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? पता है नहीं, चलो वहीं जाके देखते हैं। बाय बाय गाइस।